खुदा मेरी नज़रों में देखने की ऐसी गहराई दे, जहाँ भी देखूँ मेरा लिपिक संग दिखाई दे। और डबरा से बोलो लिपिक एकता जिंदाबाद तो पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे। ये शायरी भले लहजे प्रदेश सचिव प्रवीण दुबे ने कार्यक्रम के दौरान कहे। इस दौरान उन्होंने लिपिकों को एकता बनाए रखने पर जोर दिया तथा वेतन विसंगति की मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार से अपील की। जहां जंगीर चांपा जिले के डबरा के सांस्कृतिक भवन छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ 2060 द्वारा जिला स्तरीय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से लिपिकों के साथ 37 वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा 7 फरवरी 2019 को बिलासपुर सम्मेलन में किया गया वादा का स्मरण करवाया गया। 7 फरवरी 2019 को बिलासपुर सम्मेलन में किया गया वादा का स्मरण करवाया गया। साथ ही लिपिकों की एकता एवं लिपिक हित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित हुए लेखापाल रोहित कुमार पटेल एवं धनलाल चौधरी का सम्मान किया गया। आज के कार्यक्रम में विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों के द्वारा दक्ष लिपिक होने के बावजूद गैर लिपिक कर्मचारियों से कार्य लेने का विरोध किया गया। जी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 260 का व्यासपुर संभाग के संरक्षक सिद्धार्थ वर्मा हूँ और आज डबरा तहसील में जिला स्तरीय लिपिक सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें लिपिकों का सम्मान समारोह भी आयोजित था। जो लिपिक हमारे सेवानिवृत्त हो गए और जिन लिपिकों का स्थानांतरण डबरा से किसी अन्यत्र जगह हुआ, उनको भी यहाँ बधाई दी गई। आज की इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि बहुत जल्द हम प्रदेश स्तर में एक प्रदेशिक कार्यक्रम करने वाले हैं जांजगीर ज़िले में, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री हमारे जांजगीर ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो उसमें उपस्थित होंगे, ऐसी हमारी मंशा है। और शासन ने हमें आश्वासन दिया था कि जब वो सत्ता में काबिज होगी तो वेतन विसंगति का जो दंश हम झेल रहे हैं उसका निराकरण वो अतिशीघ्र करेगी। इस तारतम्य में जब नवगठित सरकार, आदरणीय जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब आई सत्ता में, और बिलासपुर में हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री रोहित तिवारी जी ने एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे। उस समय उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि प्रदेश के लिपिकों की ये जो समस्या जो पिछले 37 वर्षों से चली आ रही है वेतन विसंगति, कुछ वेतन विसंगति का निराकरण वो करेंगे। और उन्होंने कहा था कि चूँकि अभी हम 4 महीना हुआ है सरकार में काबिज हुए हैं और हमारी बड़ी प्राथमिकता है कि हम पहले ये जो वर्ष है सरकार का ये किसानों के कर माफ़ी के लिए है, किसानों के लिए है, और अगला जो बजट सत्र होगा चूँकि उसमें हमको कर माफ़ी नहीं करनी है, तो वो जो सरकार का जो राजस्व जो पैसा होगा वो आपके हित के काम आएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।